हेलो, दिस इज दिलजीत। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषों। आज हम मैक्रो प्रोसेसर करेंगे, जिसको सीपीयू भी कहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने सीपीयू क्लॉक के बारे में पढ़ा था। आज सीपीयू की वर्किंग और सीपीयू क्या चीज़ है, ये सारा समझेंगे। ये जो वीडियो है, वैसे तो ये 8th क्लास के लिए है, बट जिसने भी कंप्यूटर सीखना है उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर है जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, और ये प्रोसेस करता है डाटा को। दैट मैनिपुलेट्स द डाटा एंड क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ इट। ये डाटा को मैनिपुलेट करता है, डाटा को बदलता है। किस में बदलता है? समथिंग मीनिंगफुल में। इसको डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें, प्रोसेसिंग डिवाइस एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करती है। और कई देखो, इसमें प्रोसेसर है कौन सा, ये है कि ये है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रो प्रोसेसर सीपीयू, तो ये वाला मैक्रो प्रोसेसर है। अगर आपने फिजिकली नहीं देखा तो ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ये देखो, ये पड़ा है प्रोसेसर। अब देखो, कई लोग इसको भी सीपीयू बोल देते हैं, असल में ये सिस्टम कैबिनेट है और सीपीयू इसके अंदर होता है। प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर होता है। एक फ़ैन लगा होता है, उस फैन के नीचे होता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए इसके ऊपर फ़ैन लगा होता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। दी सीपीयू और मैक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड दी प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं ऑफ दी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड दी सिस्टम कैबिनेट। ये सिस्टम कैबिनेट के अंदर होती है। दी सीपीयू कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। जो सीपीयू है उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। ये वाले कौन कौन से हैं? एक ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट। तीसरा है MU, मेमोरी यूनिट। इन तीनों का क्या काम है वो समझते हैं। ALU, इट स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट परफॉर्म्स ऑल दी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये सभी तरह की अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन ही करता है। अर्थमेटिक कौन सी होगी? जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये अर्थमेटिक होगी। और लॉजिकल कौन सी होगी? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और ये लॉजिकल कैलकुलेशन होगी। तो ये सारे काम कौन करता है? ALU करता है। असल में मेन जो दिमाग हम कहेंगे वो ALU है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट CU। इट स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। इट कोऑर्डिनेट्स दी इंफॉर्मेशन फ्लो दैट हैपन्स इन साइड दी प्रोसेसिंग डिवाइस। हाँ जी, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इसके नाम से ही पता चलता है, ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इंफॉर्मेशन फ्लो। जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे डाटा रैम से प्रोसेसर में जा रहा है और प्रोसेसर से फिर रैम में जा रहा है। और इसमें बताया हो, देखो, लाइक अ ट्रैफिक मैन। ये ट्रैफिक मैन की तरह काम करता है। जैसे ट्रैफिक मैन डिसाइड करता है ना किसको रोकना है, किसको आगे भेजना है, किसको चलते रखना है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट का काम है। ये भी डाटा को कहाँ, किस डाटा को कहाँ पे रोकना है और किसको कहाँ भेजना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। इट स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। इट इज़ इंगेज्ड इन स्टोरिंग द डाटा इन द CPU। इसका क्या काम है? ये CPU के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। MU कैन स्टोर द डाटा टेम्परेरली और परमानेंटली। ये डाटा को टेम्परेरी भी स्टोर कर सकता है और परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है। टेम्परेरी कब स्टोर करते हैं? जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो प्रोसेस होती है, तो वो टेम्परेरी होगी। और परमानेंट की एग्जाम्पल क्या है? देखो, CPU को काम करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो चाहिए होंगी। कोई ना कोई इसमें प्रोग्राम तो किया होगा पहले से, कोई ना कोई कोडिंग की होगी पहले से, वो परमानेंटली सेव होगी इसके अंदर। तो जो तो पहले से प्रोग्रामिंग की हुई है वो परमानेंटली सेव है इसके अंदर, और जो हम प्रोसेस करवाते हैं अभी, जो भी काम करवाते हैं कंप्यूटर से, वो टेम्परेरी स्टोर होता है। आ गया जी वर्किंग मैकेनिज्म। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ CPU। हम CPU की वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये CPU काम करता है वो समझते हैं अब। यू ऑलरेडी नो दैट, आप पहले से जानते हो, CPU acts as the brain of the computer। जो CPU है ये ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के। एंड देयर इज अ सब सिस्टम इन साइड दी CPU, और CPU के अंदर सब सिस्टम भी होते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ये वाले। दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के जो काम है, एक्शन है, उनके साथ तालमेल करते हैं, उनके साथ कॉपरेट करते हैं। आउट ऑफ दी थ्री सिस्टम ऑफ दी CPU, ये जो CPU के तीन सिस्टम हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU, इनमें से दी मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी यूनिट है,
इज दैट मेमोरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का वो मेमोरी पार्ट है दैट दी सीपीयू इन एग्जीक्यूटिंग दी सॉफ्टवेयर, जिसको जिस सॉफ्टवेयर को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है डायरेक्टली यूजेज, वो वाला सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज करता है, किसको यूज करता है, मेमोरी यूनिट को। जिस सॉफ्टवेयर को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो वाला सॉफ्टवेयर मेमोरी यूनिट को डायरेक्टली यूज करता है। बिफोर स्टार्टिंग अ कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले दी सीपीयू में नीड टू एक्सेस दी एमयू, जो सीपीयू है उसको ज़रूरत पड़ती है मेमोरी यूनिट को एक्सेस करने की, नॉन एज रैम, जिसको हम रैम कहते हैं। अनलाइक दी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से अलग विच इज़ अ मैग्नेटिक मेमोरी, जो हार्ड डिस्क का वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, रैम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, और जो रैम है वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। ऑल्दो दी रैम इज़ रिजनेबली फास्ट मेमोरी, जो रैम होती है वो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है, किस किस काम में फास्ट होती है, टू इनपुट और आउटपुट डाटा फ्रॉम, इसमें से डाटा अगर हमने बाहर निकालना है आउटपुट लेनी है उसके लिए भी फास्ट है, और डाटा इसके अंदर डालना है इनपुट करनी है उसके लिए भी फास्ट है, कौन, रैम, किससे, हार्ड डिस्क से फास्ट है। आगे द फास्टेस्ट मेमोरी रिजाइड्स इनसाइड दिस एएलयू, जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो एएलयू के अंदर होती है, वो रैम नहीं है, वो कौन सी है, वो आगे बात कर रहे हैं। जस्ट एज टू प्ले अराउंड विद डाटा, अगर हमने डाटा के साथ प्ले करना है, उसके साथ कैलकुलेशन वगैरह करनी है, यू मस्ट फर्स्ट रिमेंबर इट, तो पहले आपको उसको याद करना पड़ेगा। सो फॉर एडिंग टू नंबर्स यूजिंग दी एएलयू, अगर हमने दो नंबरों को ऐड करना है और एएलयू यूज़ कर रहे हैं हम, फास्ट मेमोरी डिवाइस कार्ड रजिस्टर आर यूज्ड इनसाइड दी एएलयू, तो एएलयू के अंदर सबसे फास्ट जो मेमोरी डिवाइस है वो कौन सी है, वो रजिस्टर है, तो रजिस्टर यूज़ होते हैं फास्टेस्ट मेमोरी को सेव करने के लिए। एक्सेस फ्रॉम एंड आउटपुट टू दी रजिस्टर इज़ वेरी फास्ट, अगर हमने रजिस्टर में से डाटा निकालना है जहाँ उससे आउटपुट लेनी है तो वो बहुत फास्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज रजिस्टर, इन रजिस्टरों के बिना देर आर आल्सो रजिस्टर, एक ऐसे भी रजिस्टर हैं, कुछ ऐसे भी रजिस्टर हैं दैट आर यूज्ड टू रीड राइट डाटा इन टू दी मेमरी, जो डाटा को मेमरी के अंदर लिखने और पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं। ये था वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सीपीयू, और कुछ नेक्स्ट आगे वीडियो में हम रजिस्टर की टाइप्स हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।